नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष अंजना धीमान ने पत्रकार वार्ता कर 62 सदस्यीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं के बीच संतुलन कायम करते हुए प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि PCC अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले की कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी समझे। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य 2022 के चुनावों में पार्टी को जीत दिलाना है। कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा सरकार की 4 वर्ष की नाकामियों को बूथ स्तर तक ले जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर उपचुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एक तरफ बड़े बड़े जनमंच कर रही है तो दूसरी तरफ उपचुनावों को टाला जा रहा है। भाजपा ने उपचुनाव हार जाने के डर से उपचुनावों को टाला है। अंजना धीमान ने कहा कि PCC अध्यक्ष कुलदीप राठौर, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त के निर्देशानुसार किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिला महासचिव अनुराग शर्मा, सचिव मीरा भोगल, मस्त राम वर्मा, बलदेव ठाकुर, शिप्रा गौतम व प्रेस सचिव विशाल चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें ये कहना है कि भाजपा सरकार ने जो उपचुनाव टाले हैं ये गलत है, नहीं टालने चाहिए थे, क्योंकि जब ये लोग जनमंच, इतने बड़े बड़े जनमंच कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव है ये नहीं टालने चाहिए थे। इनको डर है कि BJP जो है हारेगी और कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, इसके डर से जो है सरकार ने जो है इलेक्शन जो है टाले हुए हैं। इतने जनमंच करने की क्या जरूरत है, जब इनको डर है कि कोरोना में ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो जनमंच करने की जरूरत भी क्या है। बड़े बड़े जनमंच तो कर रहे हैं लेकिन जो इलेक्शन है उनको क्यों टाला जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के दिशा निर्देशानुसार आज कार्यकारिणी का हमने गठन किया और यहाँ पे नई कार्यकारिणी जो है हमने बना दी है। मैं सभी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जो हैं, जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे और हमारे सभी लोगों को काम करना होगा और हमारे ऊपर से भी ये सख्त निर्देश हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं अपनी अपनी ड्यूटियां जो हैं वहां पे सौंपे और हमारा एक ही ध्येय हो रहेगा कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें हम जो है कांग्रेस की ही सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी भी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी मेहनत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जितने भी हमने पदाधिकारी बनाए, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं हम इनको बूथ स्तर पे लेके जाएंगे और इन बूथ स्तर पे इनकी नाकामियों को उजागर करेंगे और कांग्रेस की सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के दिशा निर्देशानुसार आज कार्यकारिणी का हमने गठन किया और यहाँ पे नई कार्यकारिणी जो है हमने बना दी है। मैं सभी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जो हैं, जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे और हमारे सभी लोगों को काम करना होगा और हमारे ऊपर से भी ये सख्त निर्देश हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं अपनी अपनी ड्यूटियां जो हैं वहां पे सौंपे और हमारा एक ही ध्येय हो रहेगा कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें हम जो है कांग्रेस की ही सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी भी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी मेहनत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जितने भी हमने पदाधिकारी बनाए, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा
कि बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं, हम इनको बूथ स्तर पे लेके जाएंगे और इन बूथ स्तर पे इनकी नाकामियों को उजागर करेंगे और कांग्रेस की सरकार को जो है सत्ता में लाएंगे। आर9 भारत के लिए विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आर9 भारत। अब आप आर9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आर9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।